विकलांग गोवंश की किन्नर समाज ने आरती करके लिया आशीर्वाद। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में नगर में संचालित विकलांग गौ सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित एक कार्यक्रम में किन्नर समाज ने गोवंश चौकी की आरती करके आशीर्वाद लिया। नगर के टाउन स्कूल प्रांगण में संचालित विकलांग गोवंश सेवा समिति पहुंचे किन्नर गुरु सुमन एवं प्रिया तराना अंजलि ने गोवंश की आरती करते हुए कहा कि विकलांग गोवंश समाज का वह हिस्सा है जिसे सब दरकिनार कर देते हैं। विकलांग सेवा को समिति के सेवा करने वाले सभी का किन्नर समिति ने धन्यवाद किया। वहीं किन्नर समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार से बेहतर सुविधाएं देने की भी अपील की। इस मौके पर समिति के गोवंश सेवक एवं संचालक कनिष्क शर्मा एवं सुमन गोयल, बबलू भैया, रोहित कुमार, डॉक्टर नीरज शर्मा, मनु ओझा, अरुण कुमार, हिमांशु सोना, राजकुमार, मनीष कुमार आदि सेवा समिति के सदस्य व गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बुलंदशहर से भारत 24x7 लाइव के लिए नाजिम बेग की रिपोर्ट। यही चाहते हैं हमारी ये जनता, बहुत अच्छी अच्छी है, अगर कोई परेशानी नहीं आ, अगर खुशियाँ आम जिंदगी में सकती है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है जितनी गौ सेवा की सेवा हो सके उतनी ही कम है, और जो किसान भाइयों ने खेती के बल लिए गैयाओं के बचाने के लिए तार लगाए हुए हैं, वो शरीर फाड़ती है गैया का, उससे बहुत बड़ा नुकसान है हमारे देश को भी और गौशाला को भी। हम लोग को बताना नहीं चाहिए, ये तो हमारी माता है, गौ माता, इनकी जितनी सेवा करोगे उससे ज्यादा आपको देगा ऊपर वाला, ये मेरा कहना है। मेरी झंगराबाद की जनता विकलांग गाय की सेवा कर रही है, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ सरकार से हमारे यहाँ गौशालाओं की खूब सुविधा होनी चाहिए, और हमारे जो भाई रहते हैं यहाँ पर सेवा करता है गायों की, इसके लिए अच्छे से अच्छे अपनी जनता से यही दुआ करूँगी इसके लिए।